हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेचल कॉमर्स कोजी पर। और जो आपका चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8A तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8B से। 8B में सबसे पहला पॉइंट है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें क्या होगा, एसेट साइड में कैश नाम से 1.5 लाख रुपये और उस साइड राइट हैंड साइड में कैपिटल में 1.5 लाख रुपये, दोनों साइड बराबर। दूसरा पॉइंट है, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, यानी कि 80,000 का नगद खरीदा और 40,000 का उधार। टोटल सामान यानी कि स्टॉक हमारे पास आया 1,20,000 का, तो एसेट साइड में कैश के बगल में स्टॉक का ऑप्शन आएगा और उसमें लिखेंगे 1,20,000, कैश में 80,000 माइनस, और ये 40,000 लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के नाम से आ जाएंगे, दोनों साइड का बराबर आएगा टोटल। उसके बाद नेक्स्ट है, गुड कॉस्टिंग 75,000 रुपये सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। 75,000 का गुड्स बेचा, तो सबसे पहले स्टॉक में से 75,000 माइनस, स्टॉक 1,20,000 का था उसमें से 75,000 माइनस करेंगे तो 45,000 बचेगा। उसके बाद सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33, यानी कि ये 25,000 का प्रॉफिट है, टोटल कितने का बेचा 1,00,000 का। 1,00,000 में से 25,000 का फायदा हुआ, ये 25,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, 1,00,000 में से आधा पैसा कैश में रिसीव हुआ, यानी कि 50,000 कैश में ऐड और 50,000 डेब्टर्स के नाम से एसेट साइड में आ जाएगा। फोर्थ है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन कैड। सबसे पहले 10,000 का गुड्स चला गया, तो 45,000 का जो स्टॉक था उसमें 10,000 और माइनस, 2,000 का फायदा हुआ वो कैपिटल में जोड़ देंगे और 12,000 उधार डेब्टर्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरी 4,000। रेंट का 2,000 माइनस कैश में से और कैपिटल में से, सैलरी का 4,000 माइनस कैश में से और कैपिटल में से। लास्ट पॉइंट कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। 20,000 का सामान 18,500 में बेच दिया, तो 1,500 का तो नुकसान हुआ, ये 1,500 तो पहले सीधा सीधा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। 20,000 गुड्स में से माइनस, यानी कि स्टॉक में से 20,000 माइनस और कैश में 18,500 प्लस। इतना सब करने के बाद आपका जो टोटल आएगा, कैश का 1,32,500, स्टॉक का 15,000, डेटर्स का 62,000, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का 40,000 और कैपिटल का 1,69,500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल है 3,00,000, इक्वेशन वही लगानी है, एसेट्स कल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 3,00,000 की कैपिटल थी, 5,00,000 की एसेट्स हो गई, एसेट्स 5,00,000 की है और लाइबिलिटी और कैपिटल का जोड़ है 4,00,000, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी 4,00,000। एसेट्स 5,00,000 की है, कैपिटल में 4,00,000, यानी कि 1,00,000 जो एक्स्ट्रा है हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इन कुछ वीडियो में आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बेटा मेरी बुक्स जो है खो गई है, बच्चे से पिक्स मांग के मैंने बनाई है, लेकिन बहुत जल्द मैं अरेंज करता हूँ, प्लीज़ है ना सपोर्ट करना। समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अब तक चैनल से जुड़े। 9th क्वेश्चन देखेंगे। देखो सबसे पहला इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 9th क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 1,20,000, लाइबिलिटी दे रखी है 20,000, तो 1,20,000 प्लस 20,000 यानी कि 1,40,000 ये एसेट्स का टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस 1,30,000, कैपिटल है 80,000, हमें क्रेडिटर कैलकुलेट करना है, तो टोटल एसेट्स में से कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो माइनस करें कितना आएगा 50,000, ये 50,000 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।